Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the fifth video of module 1. Module 1 ka aaj ye panchwa video hai. So before starting the top 5 stocks jo momentum dene wale 5 stock hum discuss karne wale hai is video mein, wo janne se pehle hum Nifty aur Bank Nifty ke bare mein thoda ek quick overview dekh lete hain. To ye raha screen ke upar aap dekh sakte ho Nifty ka graph hai. Okay? सो निफ्टी का आज का क्लोजिंग आप देखोगे तो एक अराउंड अबाउट 48% नेगेटिव क्लोजिंग दी है इस इंडेक्स ने. तो अगर हम ये स्टॉक अभी देख लेते हैं तो स्टॉक एक पिछले महीने भर से स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ही दिया है पूरा एक द होल ऑगस्ट मंथ द स्टॉक हैज और द इंडेक्स हैज बीन इन टू द कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन में आप देखोगे कि स्टॉक ने हमेशा ये सपोर्ट जोन टेस्ट किया है और उसी सपोर्ट जोन के ऊपर स्टॉक ने इंडेक्स ने हमेशा बाउंस बैक दिया है निफ्टी ने. तो अगर ये सपोर्ट जोन बाउंस बैक कर देता है निफ्टी तो डेफिनेटली निफ्टी फिर से जाएगा 19,600 के आसपास. ओके, आई विल मार्क द टारगेट हियर. द अपसाइड टारगेट फॉर द निफ्टी विल बी 19,600. ओके, तो ये रहा निफ्टी के बारे में फॉर द अपसाइड टारगेट. व्हाट इफ द निफ्टी ब्रेक्स द सपोर्ट. अगर निफ्टी ने सपोर्ट जोन अगर ब्रेक किया तो डेफिनेटली एक शार्प फॉल हो सकता है निफ्टी के लिए. निफ्टी शायद 18,650 के आसपास फिर से ट्रेड कर सकता है. ओके, सो दैट विल बी द डाउनसाइड टारगेट फॉर द निफ्टी. अगर निफ्टी ने 19,250 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते आ रहा है अगर उसने ब्रेक किया तो निफ्टी शुड डेफिनेटली गो टू द डाउनसाइड टारगेट ऑफ 18,650. अगर वहीं से बाउंस बैक करता है निफ्टी तो डेफिनेटली द फर्स्ट टारगेट फॉर द निफ्टी वुड बी 19,600. ओके, तो ये रहा निफ्टी के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. तो ये रहा ग्राफ बैंक निफ्टी का. ऑलरेडी मैंने उसका एक अपसाइड टारगेट और डाउनसाइड टारगेट मार्क करके दिया है बट स्टिल विल डिस्कस ऑन दैट. बैंक निफ्टी ने भी आज एक नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है. बेयरिश फॉर्म में आज क्लोजिंग दी है. 0.55% स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है. सो अगर हम ये इंडेक्स में डाउनसाइड टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे तो द टारगेट वुड बी 43,388. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिया है 43,388 एक डाउनसाइड टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए. एंड इफ द बैंक निफ्टी गेट्स बाउंस बैक, अगर इसी प्राइस से अगर बैंक निफ्टी बाउंस बैक दे अगर देने की कोशिश करेगा तो द इमीडिएट टारगेट फॉर द बैंक निफ्टी विल बी 45,000 के आसपास ये बैंक निफ्टी फिर से एक अपसाइड टारगेट दे सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ये अगले एक से दो हफ्ते में ये एस्टिमेटेड टारगेट के आसपास आने की कोशिश कर देगा. ओके, सो दैट्स अबाउट आर that's the overview, a quick overview on Nifty and Bank Nifty. Let's talk about our stock number 5, which is City Union Bank. So guys, ये है रहा ग्राफ City Union Bank का. Okay, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो. एक थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं स्टॉक के बारे में. तो स्टॉक ने एक बाउंस गैप डाउन दिया था, सॉरी गैप डाउन दिया था 29 मई के आसपास स्टॉक ने 10% का डाउनफॉल दिया. उसके बाद जितना स्टॉक ने डाउनफॉल दिया डेफिनेटली वो जो गैप है वो गैप कवर अप करने की कोशिश की स्टॉक ने. बट इवेंचुअली अगेन एक 11 अगस्त के आसपास एट द 14th ऑफ द अगस्त स्टॉक ने फिर से एक गैप डाउन दिया. गैप डाउन ओपनिंग करके स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी. राउंड अबाउट 5-6% ये स्टॉक ने डाउनफॉल दिया. आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. तो ये डाउनफॉल देने के बाद फिर से वो स्टॉक ने रिकवरी करने की कोशिश की, वो गैप फिलअप करने की कोशिश की. बट इवेंचुअली अगेन टुडे आज फिर से ये स्टॉक ने एक उसी सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है. ओके, पॉजिटिव क्लोजिंग इन द सेंस कि जो आज की कैंडल है द डेली कैंडल ऑफ दिस स्टॉक इज शोइंग द लोअर शैडो. जो लोअर शैडो है इस कैंडल की वो एक कंपैरेटिवली एक हायर शैडो से बड़ी है. दैट सेज कि एक बायर ने पुशबैक किया है स्टॉक को बेयरिश फॉर्म से. मतलब एक 3-4 तक के 3-4% एक नेगेटिव होने के बाद फिर से स्टॉक ने क्लोजिंग जो है वो अराउंड अबाउट
-1% के आसपास क्लोजिंग दी। सो डेफिनेटली आप अगर ये देखोगे कि एक स्टॉक ने इसी सपोर्ट जोन को टेस्ट करके स्टॉक हमेशा जो गैप है वो कवर अप करने की कोशिश करेगा। सो अगर ये स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट एन अपसाइड टारगेट ऑफ 136, 136 के आसपास आप एक अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग दोनों के हिसाब से। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द टारगेट ऑफ 136, तो आप एक 10 से 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। आपको ये टारगेट अचीव हो पाएगा विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप 119 के आसपास आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज स्टॉक ने हमेशा इसी सपोर्ट जोन को टेस्ट करके बाउंस बैक दिया है। सो वी शुड एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक। एंड दिस इज ऑल अबाउट सिटी यूनियन बैंक। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 4 विच इज वेदांता लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ वेदांता लिमिटेड का। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 232 के आसपास। स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है इस प्राइस पे। स्टॉक ने आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है 2% के आसपास। स्टॉक ने एक बेरिश फॉर्म में क्लोजिंग दिया है। स्टॉक की थोड़ी एक हिस्ट्री देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले स्टॉक एक 2 अगस्त के आसपास सॉरी एक 3 अगस्त के आसपास स्टॉक ने एक गैप डाउन दिया था। गैप डाउन ओपनिंग करके स्टॉक ने एक 6 to 7% नेगेटिव क्लोजिंग दिया। एंड आफ्टर दैट एक एक हफ्ते के आसपास स्टॉक ने एक 10 से 11% का एक डाउनफॉल ही दिया है। आई शो यू इट हियर। 10 से 11% आप यहाँ पे देख सकते हो। 10 से 11% एक स्टॉक ने डाउनफॉल ही दिया था। आफ्टर दैट स्टॉक उसी सपोर्ट जोन पे हमेशा बाउंस बैक करके इट इज ट्राइंग टू गो अप टू इट्स हायर टारगेट। एक रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन वाई हम ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं विच वुड गिव अपसाइड मोमेंटम। स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। सो रही बात एक टारगेट की फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज ट्रेडर्स। अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली जो एक गैप डाउन स्टॉक ने दिया था उसी के हायर प्राइस को हम एक रेजिस्टेंस समझ के वी कैन एक्सपेक्ट इट एज अ टारगेट। हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। सो 260 तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द स्पैन ऑफ 1 मंथ। विद इन 1 मंथ ये स्टॉक 260 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो द टारगेट इज सेम फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको 10 से 11% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। 10 to 11% रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट कैन बी अचीव्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस और यू कैन कंसिडर अ सपोर्ट जोन। आप 220 के 221 के आसपास आप सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने स्क्रीन के ऊपर मार्क करके दिया है। द रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे स्टॉक ने कंसिस्टेंट एक यू कैन से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। बट इफ यू लुक एट हियर एक क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक देने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था इस स्टॉक ने। सो दैट इज द रीजन वाई वी आर कंसिडरिंग 221 एज अ क्रूशियल स्टॉप लॉस और यू कैन से क्रूशियल सपोर्ट जोन। स्टॉक ज्यादा से ज्यादा उस सपोर्ट जोन के पास आके फिर से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेदांता लिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक नंबर 3 विच इज इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक टेक्निकली हम एक स्टॉक की हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्टॉक ने एक पिछले कुछ दिनों में कैसे परफॉर्मेंस किया एंड व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। सो यहाँ पे आप देखोगे एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक ने यहाँ से बाउंस बैक दिया था फ्रॉम द प्राइस ऑफ 2771 टिल द हाई वाज 33, मतलब 3,300 के आसपास ये स्टॉक ने एक अपसाइड हायर वैल्यू दिया था। तो अगर हम इसको एक परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो एक 7 से 8 दिनों में ये स्टॉक ने एक 25 to 26% अपसाइड मोमेंटम दिया था। आफ्टर दैट एक 24 जुलाई के आसपास से टिल टुडेज डेट स्टॉक ने एक
एक महीने के आसपास इट वॉज कम्प्लीटली इन टू द कंसोलिडेशन फेज. ओके, ये कंसोलिडेशन फेज में जाने जाने के बाद, एज वी ऑल नो, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जाता है तो डेफिनेटली इट गिव्स अ मोमेंटम, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, द स्टॉक गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. सो लुकिंग टू द टूडेज कैंडल, अगर आज का हम कैंडल देख लेते हैं तो नॉट ओनली फॉर टूडेज कैंडल, एक पिछले 4 दिनों से अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने उसी एक आज के लो के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने. ओके, सो दैट जस्ट सेज दैट कि स्टॉक ने ओवरऑल एक उसी रेंज पे स्टॉक सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था. बट इफ यू लुक एट द टुडे कैंडल, आज हम देखेंगे तो एक 2% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने. सो दिस इज द रीजन व्हाई यू नो द स्टॉक शुड ट्राई टू बाउंस बैक एंड गो टू इट्स हायर टारगेट. अगर हायर टारगेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक शुड डेफिनेटली ब्रेक इट्स हाई, जो रिसेंट हाई या फिर यू कैन से द रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करके एक थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा. द टारगेट माइट बी 3400, 3400 के आसपास स्टॉक एक अपसाइड टारगेट देने की कोशिश करेगा. द टारगेट इज सेम फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट वाले, दोनों इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन द स्टॉक. अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक 11 से 12% रिटर्न दे देगा इन द स्पैन ऑफ 1 month. विद इन 1 month ड्यूरेशन स्टॉक आपको 11 से 12% रिटर्न दे देगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. इफ वी वॉन्ट टू ट्रेड इन द स्टॉक, डेफिनेटली द सपोर्ट, और यू कैन से स्टॉप लॉस, और वी कैन जस्ट कंसिडर इट एज अ सपोर्ट जोन. सपोर्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक का 2900 के आसपास. यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर मार्क करके दिया है. द रीजन इज कि कंसोलिडेशन फेज का जो लोअर एंड था उसी वैल्यू पे स्टॉक ने एक लो देके डेफिनेटली स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है. एंड द स्टॉक नेवर टेस्टेड द रेंज ऑफ 2900 फ्रॉम पास्ट 1 month. सो डेफिनेटली स्टॉक एक सपोर्ट जोन, अगर डाउनफॉल अगर स्टॉक जाता भी है तो डेफिनेटली ट्राई टू टेक अ सपोर्ट एट 2900. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर द स्टॉप लॉस फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, एंड यू कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 3400. So that's it for IndiaMART InterMESH. Let's talk about our stock number 2, which is ICICI General Insurance. So guys, ये रहा ग्राफ ICICI Lombard General Insurance का. Okay. So screen के ऊपर आप देख सकते हो stock ने 1314 के आसपास closing दी है. And एक थोड़ी history देख लेते हैं stock की. एक जून के आसपास स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स एक स्टॉक ने 21 जुलाई तक, मीन्स राउंड अबाउट आप 1.5 महीने तक स्टॉक एक कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम में ही था. अगर आप कैलकुलेट करोगे मोमेंटम स्टॉक का तो एक 20 से 21% का रिटर्न स्टॉक ने इस 1.5 महीने में दिया था. ओके, सो आफ्टर दैट स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया. एंड इफ यू लुक एट द करंट वैल्यू, अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो स्टॉक एक उसी सपोर्ट जोन को 1, 2, 3 और एक पिछले 5-10 दिनों से उसी सपोर्ट उसी प्राइस पे सपोर्ट ले रहा था. द स्टॉक इज ट्राइंग टू गेट अ बाउंस बैक फ्रॉम दैट प्राइस रेंज. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम. स्टॉक एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, विच वी कैन से इट कैन गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम. तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1314 के आसपास. सो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली इट शुड गो अप 2470, 1470 के आसपास ये स्टॉक मोमेंट देने की कोशिश करेगा. द टारगेट इज सेम फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, दोनों के लिए ये द टारगेट वुड बी द सेम. अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 11 से 12% का रिटर्न दे देगा विद इन द स्पैन ऑफ 1 month. ये स्टॉक 1470 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. ओके, सो ये रहा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से. अगर हमने we have talked about investment, let's talk about stock option traders. अगर stock option को इस stock में
ट्रेडिंग करना है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को, तो डेफिनेटली आपको एक 1260 के आसपास आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1470, 1470 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कंसिडरिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1260. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस. लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक नंबर 1 फॉर टूडेज वीडियो 5 ऑफ मॉड्यूल 1, विच इज यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड. सो गाइज, ये रहा ग्राफ यूनाइटेड स्पिरिट्स का. द सिंबल फॉर दिस स्टॉक इज मैकडॉवेल. वी नो दिस स्टॉक इज वेरी फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड लिकर्स. ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का ये ग्राफ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. स्टॉक ने एक 1007 के आसपास क्लोजिंग दी है आज की. तो व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 1, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक ने एक लॉन्ग डाउनफॉल देने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक यहाँ पे चला गया था. एंड एट द मंथ ऑफ 29 मार्च 2000, मीन्स एट द एंड ऑफ द मार्च 2023, स्टॉक ने यहीं से एक अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने दिया था. एंड द स्टॉक गेव अ हायर वैल्यू ऑफ 1044 टिल 21st of July. मतलब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉक ने 40-41% रिटर्न दे दिया है. ओके, जुलाई एक मार्च टू जुलाई अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक 3 से 3.5 महीने के आसपास ये स्टॉक ने कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड दिया था. एंड स्टॉक ने एक 40-41% अपवर्ड मोमेंटम दिया था. एंड उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया. स्टॉक वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू टेस्ट द सपोर्ट ऑफ 980, 980 के आसपास एक सपोर्ट जोन टेस्ट करके डेफिनेटली स्टॉक एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा था. ओके, सो व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक इज कि रिसेंटली आप देखोगे कि जो लो या फिर सपोर्ट स्टॉक ने टेस्ट किया था, डेफिनेटली एक हायर लो स्टॉक ने अभी रिसेंटली 4 से 5 दिनों में क्रिएट किया है. ओके, सो अपवर्ड ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, द अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट्स कि स्टॉक ऑलवेज क्रिएट्स अ हायर लो. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 1. लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट फॉर दिस स्टॉक. ओके, अगर इस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप 1130 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया है स्क्रीन के ऊपर. आप 1 महीने के अंदर ही या फिर टिल द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ, दैट इज टिल 30th of September 2023, पूरे सितंबर महीने के अंदर ये स्टॉक फिर से 1130 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 12 से 13 तक का रिटर्न्स दे देगा विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. ओके, ये टारगेट के नजदीक जाएगा विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ. एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में आपको 12 से 13% का रिटर्न्स मिल जाएगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन के लिए टारगेट वही रहेगा, 1130 के आसपास ही स्टॉक एक हायर लेवल पे ट्रेड करेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस अगर स्टॉक को कंसिडर करना है तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमने यहीं पे डिस्कस किया था, 970 से 980 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर करके या फिर सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म स्टॉक ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर द वीडियो 5 मॉड्यूल 1. सो एज आई एंड द वीडियो विथ माई पर्सनल रिकमेंडेशन, आई वुड जस्ट पर्सनली रिकमेंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टू द स्टॉक मार्केट फर्स्ट एंड देन गो फॉर द ट्रेडिंग. एंड दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.